बिग बॉस 16 में ट्रॉफी नहीं जीत पाए शालिन, लेकिन खुल गई किस्मत। कलर्स के नए सीरियल में आएंगे नजर। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 के ग्रैंड फिनाले के दौरान शालिन की किस्मत खुलते हुए नजर आई है। दरअसल शालिन शो से बाहर निकलने वाले कंटेस्टेंट बन गए। टॉप 5 से वो बाहर हुए। जनता की कम वोटिंग के आधार पर शो के होस्ट सलमान खान ने उनके नाम का ऐलान किया और बिग बॉस ने एक ट्विस्ट भी एलिमिनेशन में जोड़ दिया था। और फिनाले के दिन दरअसल ये ट्विस्ट ये था कि घर के मौजूद कंटेस्टेंट्स को आपसी सहमति से ये फैसला लेना था कि कौन शो से बाहर होगा, और अगर वो फैसला जनता के फैसले से मैच करता है तो प्राइज मनी में 10 लाख रुपए बढ़ाने की बात की गई थी। सभी ने मिलकर शालिन का नाम लिया और जनता का फैसला भी शालिन के नाम का ही था, यानी प्राइज मनी बढ़कर अब 31,80,000 रुपए हो गई है, जो पहले 21,80,000 रुपए थी। शालिन टॉप 5 की रेस से बाहर हुए, वो ट्रॉफी की रेस से बाहर हुए और शो से भी बाहर हुए। बाहर निकलने के बाद मंच पर सलमान खान ने उन्हें बताया कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शो को आपने बहुत कुछ दिया है, जाते जाते ये शो भी आपको कुछ देना चाहता है। जहां एकता कपूर ने ये बताया कि बिग बॉस के घर में जब एकता कपूर आई थी तो उन्हें शालिन की एक्टिंग पसंद आ गई थी और उन्होंने शालिन को अपने अगले नए सीरियल में लीड रोल दिया है। दरअसल सीरियल का नाम होगा मैं बेकाबू और इस नाम के सीरियल में वो लीड भूमिका में नजर आएंगे और ये शो कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला है, यानी शो से बाहर निकलते ही शालिन सीरियल की शूटिंग में जुटने वाले हैं। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।